हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंश गौतम। हियर इज़ एग्जांपल नंबर 5 फ्रॉम पॉलिनोमियल्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर एग्जांपल क्यों लिया है। एक बात याद रखना, क्यूबिक पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल एक्सरसाइज में क्यूबिक पॉलिनोमियल का कोई भी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में नहीं दिया हुआ है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको एग्जाम्पल को देखेंगे बुक में जाकर, तो वहाँ पर स्टार भी लगा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 5 के ऊपर। दैट्स मीन ये मोस्ट मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके आने के चांसेस 100% मान बोल सकते हो आप, ठीक है। तो चलो उसको समझते हैं। देखो इसने बोला क्या है, इसमें वेरीफाई दैट 3-1 एंड -1/3। हमको वेरीफाई करना है कि 3 और -1 और -1/3 जो हैं वो आर द ज़ीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। वो ज़ीरोज हैं किसके, क्यूबिक पॉलिनोमियल के। कौन सी क्यूबिक पॉलिनोमियल के, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों बोला यहाँ पर हमने, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3। मैंने इसके ऊपर एक सेशन बना चुका हूँ, आप वहाँ पर जाके वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। एंड मैंने इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल का पूरा पूरा मेथड मैंने समझा भी दिया, तो वहाँ जाके पहले आप उसको समझो, देन फिर आप यहाँ पर स्विच करो, ठीक है। देखो अब सबसे पहले मुझे क्या प्रूफ करना है, सबसे पहले मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जो 3 नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं वो इसके ज़ीरोज हैं या नहीं, वेरीफाई करने में वो सबसे पहले, ठीक है। तो देखो ज़ीरोज़ का मतलब, वेरीफाई मतलब करना कैसे होता है। जैसे मान लो मैंने बोला कि x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ये क्या है, मेरे को एक इक्वेशन दी हुई है, फैक्टर दिया हुआ है, इसकी ज़ीरो क्या हो जाएगा, इसका ज़ीरोज हो जाएगा 5। इसको उधर ले आऊँगा मैं, x की वैल्यू क्या होगी हमारी 5। तो देखो इसका ज़ीरो क्या निकल गया, ये हमारी इक्वेशन हो गई लीनियर इक्वेशन। जैसे ये पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्योंकि डिग्री 1 है ना। तो ऐसे ये लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, लीनियर पॉलिनोमियल का हमारा रूट क्या है यहाँ पर, ज़ीरोज़ क्या है, सॉरी यहाँ पर 5 है हमारे। अब इस 5 को अगर मैं इस इक्वेशन में रखूँ तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सिंपल कि हमको इन तीनों को एक एक करके इस इक्वेशन में रखने हैं और आंसर 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो दैट्स मीन वो इसके ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका, सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो हमको पी एक्स की वैल्यू कितनी हुई है, सबसे पहले इसको लिख लेंगे, पी एक्स इज़ इक्वल टू 3x की पावर 3 -5x की पावर 2 -11x और -3, ठीक है। अब देखो हमको वेरीफाई करना है, सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट एन x इज इक्वल टू कितना 3, x की वैल्यू हम कितना पुट करेंगे यहाँ पर, 3 पुट करेंगे, तो ठीक है p ब्रैकेट में 3, हमें x की जगह पर 3 रखना है तो 3 रख दिया मैंने यहाँ पर, इनटू इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 3, दैट्स मीन यहाँ पर x की जगह पर 3 आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, -5 मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो वो साइन किसका होता है, मल्टीप्लाई का, एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। -11x मल्टीप्लाई मतलब किससे, 3 से, और -3। देखो p ब्रैकेट में 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 जा 9 और 9 जा 27 हो जाएगा ये, -5 3 जा 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो जाएगा 3 जा, और 11 जा 33 और -3। देखो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए हमारा। 27 3 जा हमारा कितना आंसर होता है, 81, और 95 जा 45, -33 और -3। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे दोनों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, दोनों को प्लस कर लो। तो 45 प्लस 33 करोगे तो कितना आंसर आएगा, 45 प्लस 3 कितना होगा, इसमें हम इसको ब्रेक कर ले रहे हैं 30 प्लस 3 में, तो 48 और 48 और 30 कितना हो गया, 78, ठीक है, माइनस का 78 आएगा, दैट्स मीन यहाँ पर मैं इक्वल टू कर दे रहा हूँ, 81 माइनस 78 हो जाएगा और -3। अब ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 81 हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा, 81 -81, दैट्स मीन कितना आंसर आ गया मेरा, 0 आंसर आ गया, यही आना चाहिए था मेरा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वैल्यू रखूँगा मैं कौन सी, -1, नेक्स्ट वैल्यू रखूँगा मैं अब -1, तो देखो -1 रखते हैं अब, सेकेंड पॉइंट एक्स इज इक्वल टू -1, ठीक है, -1 रखो, चलो पी ब्रैकेट में -1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -1 का क्यूब -5 इंटू -1 का स्क्वायर। आपको वैल्यू बहुत ध्यान से रखनी है, जल्दी जल्दी में करोगे तो साइन की मिस्टेक हो सकती है, और जहाँ साइन की मिस्टेक एक बार हुई तो क्वेश्चन बेटा पूरा चला जाएगा, फिर टीचर को आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर टीचर को स्टार्टिंग में मिस्टेक मिल गई तो आगे तक चेक नहीं करेगा, वो पूरा कट कर देगा, क्योंकि मैथ्स है, पूरा आपका गलत होगा आगे, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो
थ्री इंटू, अब माइनस वन को मैं करूँगा ऑड पावर है, जब ऑड पावर होती है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आता है हमारा, ठीक है। इवन पावर होती है तो प्लस में हो जाता है, और फाइव इंटू वन करूँगा तो क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर क्या होगा, वन, और पावर ऑड है इवन, सॉरी, तो देखो माइनस वन इंटू माइनस वन कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन आ जाएगा आंसर, तो फाइव वन जो फाइव रहेगा, और ये देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का इलेवन हो गया और माइनस थ्री हो गया। पी माइनस वन इज़ इक्वल टू थ्री इंटू वन, माइनस थ्री, माइनस फाइव, और प्लस इलेवन और माइनस थ्री। अब इधर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का एट बचेगा, और इलेवन में से थ्री का तो कितना बचेगा, एट बचेगा प्लस का, तो माइनस का एट और प्लस का एट कट जाएंगे दूसरे से, कितना आंसर आ गया हमारा, पी माइनस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ गया, ठीक है, यही आना चाहिए था हमारा। अब लास्ट इसके कौन सी वैल्यू रखेंगे हम, लास्ट इसकी वैल्यू रखेंगे हम माइनस का वन अपॉइंट थ्री। चलो ठीक है, माइनस का वन अपॉइंट थ्री हम और एक बार चेक कर लेते रख कर इसको फटाफट। थर्ड पॉइंट देखो, वेन एक्स इज इक्वल टू माइनस का वन अपॉइंट थ्री, माइनस का वन अपॉइंट थ्री रखेंगे, देखो पी ब्रैकेट में माइनस का वन अपॉइंट थ्री इज इक्वल टू, इसका आंसर कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए हमारा, ठीक है, थ्री इंटू माइनस का वन अपॉइंट थ्री की होल पावर थ्री, और माइनस फाइव मल्टीप्लाई माइनस वन अपॉइंट थ्री का होल पावर स्क्वायर, माइनस इलेवन इंटू क्या आएगा यहाँ पर हमारा, माइनस वन अपॉइंट थ्री, ठीक है, और माइनस थ्री। अब देखो पी ब्रैकेट में माइनस वन अपॉइंट थ्री इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा हमारा, माइनस का हो जाएगा क्योंकि ऑड पावर है, तो थ्री का क्यूब कितना होगा, वन का ऊपर क्यूब करेंगे तो वन रहेगा, और नीचे थ्री का क्यूब कितना हो जाएगा, ट्वेंटी सेवन हो जाएगा हमारा थ्री का क्यूब, ठीक है, माइनस का ट्वेंटी सेवन हो जाएगा, ये माइनस फाइव इंटू ये स्क्वायर है और ये इवन नंबर है, तो दैट्स मीन यहाँ पर कितना हो जाएगा, वन अपॉन नाइन, वो भी पॉजिटिव, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इलेवन अपॉन थ्री बचेगा सिंपल, और माइनस थ्री बचेगा, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, आगे चेक करते हैं, अब देखो उसको आगे सॉल्व करो, पी ब्रैकेट में माइनस वन अपॉन थ्री इज इक्वल टू थ्री से कितने टाइम कटेगा, नाइन टाइम, थ्री नाइन जो ट्वेंटी सेवन, तो माइनस का वन अपॉन नाइन, और माइनस फाइव वन जो फाइव ऊपर हो जाएगा, नाइन अपॉन में हो जाएगा, प्लस इलेवन अपॉन थ्री और माइनस थ्री, ठीक है, मैं इसके अपॉन में वन मान सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो उसको सॉल्व करते हैं फटाफट से, उसको देखो पी ब्रैकेट में माइनस वन अपॉन थ्री, यहाँ पर मेरा एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा मेरा नाइन, नाइन से नाइन वन का वन माइनस फाइव, और थ्री थ्री जा नाइन, और थ्री का मल्टीप्लाई करूँगा तो थर्टी थ्री हो जाएगा, और माइनस नाइन वन जा नाइन और नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन हो जाएगा सिंपल, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस किससे बचेगा, माइनस का सिक्स, और थर्टी थ्री में से ट्वेंटी सेवन का तो कितना बचेगा, प्लस का सिक्स बचेगा अपॉन नाइन, सिक्स से सिक्स कट गया तो कितना आ गया, जीरो बाई नाइन, दैट्स मीन कितना आंसर आ गया मेरा डायरेक्ट, माइनस का वन अपॉन थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। दैट्स मीन इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये वेरीफाई कर दिया कि थ्री माइनस वन और माइनस वन अपॉन थ्री वो ज़ीरोज़ हैं, किसके, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप तो मेरा हो गया, अब सेकेंड स्टेप इसने क्या बोला, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन, अब मुझे इनके बीच का रिलेशन भी निकालना है, किसका, ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स का, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बोला था ये वाली बात, अगर आपने इसके रिलेशन के बीच की इनके मेरे वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर, अब वहाँ जाकर पहले उसको सीखिए, देन आप यहाँ पर स्विच करिए, आपको तब समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो अब आगे देखते हैं, इसके इनके बीच का रिलेशन हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने जब रिलेशन इसका वेरीफाई करा, मतलब जब करवाया था रिलेशनशिप, बताया था इनके बीच का मैंने ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स का क्यूबिक पॉलिनोमियल में, तो वहाँ पर मैंने तीन टर्म यूज़ करे थे, अल्फ़ा बीटा एंड गामा, अल्फ़ा बीटा एंड गामा, तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा और गामा इन तीनों की वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू होगी हमारी जो इसके ज़ीरोज़ होते हैं ना, यही हमारी अल्फ़ा बीटा गामा होते हैं, तो इसमें अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी हमारी, थ्री हो गई अल्फ़ा की वैल्यू, और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस वन, और गामा की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का वन अपॉन थ्री आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारी किसकी वैल्यूज़ होंगी, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ होंगी, ये हमारे जो जीरोज़ होते हैं यही तो होते हैं हमारे अल्फ़ा बीटा गामा, मैंने आपको समझाया भी था उसमें, ठीक है। अब देखो अगर मेरा अल्फ़ा बीटा गामा मेरे तीनों हो गए, देन फर्स्ट हमारा था क्या था, अल्फ़ा, एक सेकेंड मैं आपको पूरा फॉर्मूला लग देता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गामा इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस का कोफिशियंट,
कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में किसका कोफिशियंट होना चाहिए, एक्स क्यूब का कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखो अल्फ़ा बीटा गामा इन तीनों की वैल्यू क्या है हमारी, अल्फ़ा की वैल्यू है 3 और प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1, तो -1 ब्रैकेट में आएगा और प्लस गामा की वैल्यू -1/3, तो -1/3 इधर आ गया, सॉरी ठीक है -1/3 इधर आ गया। ठीक इज इक्वल टू माइनस का कॉफी, अब मैंने माइनस की माइनस लगा ली क्योंकि फॉर्मूले में दिया हुआ ऑलरेडी मेरे को कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखूंगा तो मैं कितना दिया हुआ है यहाँ पे मेरे को -5 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये साइन तो माइनस का मेरा पहले से लगा हुआ ना यहाँ पर, तो वो माइनस का अलग है, तो माइनस का 5 अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 3, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 3 कितना है यहाँ पर 3 है मेरे को सिंपल, प्लस का 3 दिया हुआ है तो प्लस का 3 आ जाएगा इसका मतलब सिंपल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब मैं इसको करूँगा सॉल्व, तो 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरा माइनस हो जाएगा 1 और प्लस माइनस माइनस 1/3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन और प्लस का 3 हो जाएगा सिंपल। ठीक है, इसको मैं आगे कर देता हूँ यहीं पर। अब देखो इसके मैं अपॉन 1 मान लूँगा, इसके अपॉन 1 मान लूँगा मैं, ठीक है कोई प्रॉब्लम तो है नहीं यहाँ पर। अब इसका मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा, मेरा 3 एलसीएम आ जाएगा, मेरा कितना आ जाएगा, मेरा 3 एलसीएम आ गया। अब देखो जब 3 एलसीएम आ गया तो 1 से डिवाइड करूँगा तो 3 टाइम और 3 जा 9, 1 से 3 टाइम और 3 जा 3, 3 से 3 गया 1 टाइम और 1 का 1, आंसर कितना आना चाहिए मेरा 5/3 ही आंसर आना चाहिए। अब देखो चेक करते हैं 5/3 आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है देखते हैं। चलो अब देखो यहाँ पे मैंने चेक करा इसको, 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा 6 बचेगा और 6 में से 1 गया था 5, तो 5/3 इज इक्वल टू किसके आ गया हमारा 5/3 के आ गया, नहीं आ गया तो वही तो इक्वल आना था मेरे को। ठीक है इक्वल आ गया। अब देखो सेकंड पार्ट क्या था इसका, सेकंड पार्ट था हमारा इसका अल्फ़ा बीटा और प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू किसके था हमारे यहाँ पर, इज इक्वल टू था हमारा कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन में किसका था कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 3 एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अब देखते हैं अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी मैंने क्या बोला था 3 थी है, तो अल्फ़ा की वैल्यू 3 लिख ली मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई, बीटा की वैल्यू कितनी होगी -1, ठीक है -1। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आपको लेंदी लग रहा होगा, लेंदी कह सकते हो बस थोड़ा सा, बट इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब देखो बीटा की वैल्यू कितनी है मेरी -1 और गामा की वैल्यू -1/3 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है पर हमारी -1/3 गामा की वैल्यू -1/3 और अल्फ़ा की वैल्यू 3 इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर -11, यहाँ कोई साइन नहीं दिया हुआ माइनस का, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा वाले में साइन दिया हुआ था बट यहाँ पर साइन नहीं है। ठीक है, ऊपर एक्स है उसमें एक्स स्क्वायर था, इस वाली बात का आप ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बातें अगर आपने इधर उधर अगर चेंज कर दिया तो देन आपका क्वेश्चन पूरा गलत होगा बेटा, इतना याद रखना आप। ठीक है, अब देखो कोफिशियंट ऑफ एक्स कितना दिया मेरे को -11 अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 3 कितना दिया मेरे को 3 दिया हुआ यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इसको सिंपली इसको सॉल्व करेंगे हम, 3 × 1 -1 कितना हो जाएगा -3 प्लस, अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/3 बचेगा सिंपल, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा यहाँ पर हमारा तो 1 बचेगा सिंपल इज इक्वल टू -11/3। इसका मतलब मुझे इसका आंसर कितना आना चाहिए -11/3 आना चाहिए, इसके डिनोमिनेटर में 1 लेट कर लूँगा मैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं है क्योंकि आप कुछ दिया नहीं तो 1 तो लेट कर सकते हैं। अब 3 यहाँ से एलसीएम आ जाएगा मेरा, आना कितना चाहिए -11/3, अब यार देखो तो 1 से 3 टाइम और 3 जा 9 हो गया, 3 से 1 टाइम और प्लस 1 बचेगा ऊपर, -1 से 3 टाइम और 3 जा 3, माइनस प्लस माइनस होगा तो -8 बचेगा, फिर माइनस प्लस माइनस होता है ना तो 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, साइन किसका बड़ा माइनस का तो -8 आ जाएगा, इजिकल टू देखो इजिकल टू माइनस का 8 और माइनस का 3 बचा फिर यहाँ पर अपॉन 3 इज इक्वल टू किसके आना चाहिए हमारा -11/3 के इक्वल आना चाहिए। अब थोड़ा ध्यान से देखो माइनस माइनस प्लस साइन किसका आएगा माइनस का, तो माइनस का 11/3 इज इक्वल टू माइनस का 11/3 आ गया ना इक्वल, यही चाहिए था हमको इक्वल। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट बचता है आपका अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन
कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 3, वो भी माइनस का। ठीक है चलो उसे और देखते हैं फटाफट। इसका देखो थर्ड पार्ट और देखते हैं लास्ट फटाफट। थर्ड पार्ट था हमारा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू, किसके इक्वल था, माइनस का कॉन्स्टेंट टर्म, माइनस का कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में क्या था हमारा कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 3, कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 3। आपको इस वाली बात का ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं, फॉर्मूले हमको याद भी नहीं रहते बेटा, ये ध्यान रखना। ठीक है तो फॉर्मूले आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है, इतना तो पता होगा आपको, 3 × -1 × -1/3, 3 × -1 − 1/3। एक सेकेंड वेट करिएगा। ठीक है अब चलो, 3 किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें, मल्टीप्लाई माइनस वन और मल्टीप्लाई माइनस वन अपॉन 3। ठीक है इज इक्वल टू किसके इक्वल, माइनस का, क्या माइनस का कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म कौन सा हमारा -3, तो -3 यहाँ पर लिख जाएंगे हमारा अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 3, कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 3 कितना हमारा 3, तो 3 यहाँ पर हमारा यहाँ पर आ गया सिंपल। ठीक है अब देखो इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, देखो यहाँ पर इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 से 3 कट हो जाएगा तो 1 आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कट हो जाएगा तो 1 आंसर आ गया। ये हमारा यहाँ पर हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक है हमारा रिलेशन भी इनके दोनों जीरो और कोफिशियंट के बीच में रिलेशन भी हमारा वेरीफाई हो गया, और इसके हमने जीरोज़ को भी वेरीफाई कर दिया था कि ये क्यूबिक पॉलीनोमियल के जीरोज़ हैं। ठीक है आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। ओके थैंक यू सो मच।